वेलकम टू द कोचअप अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी सर्किट थ्योरी, और जिसका नाम नेटवर्क थ्योरी भी बोलते हैं, उसका स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन कब यूज करते हैं? व्हेन एलिमेंट्स आर कनेक्टेड नाइदर इन सीरीज नॉर इन पैरेलल देन नेटवर्क इज रिड्यूस्ड बाय द स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब क्या है, कभी कभी हमारे पास बड़ी सर्किट में इस तरह से आ जाता है कि रेजिस्टेंसेज ना तो सीरीज में कनेक्टेड हैं ना ही पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो ऐसी बड़ी सर्किट को हम रिड्यूस कर देते हैं स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन से, और उसके बाद हमें कुछ रेजिस्टेंस और कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया, कुछ भी, वो सारी चीज़ हमारे पैरेलल में भी आ सकते हैं। तो हम इससे फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करने वाले हैं कि ये स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन हमारा किस तरह से होता है। तो देखो, हमारे पास पहले सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि एक्चुअली में स्टार और डेल्टा है क्या चीज, किस फॉर्म में। तो देखो, अगर मेरी सर्किट इस फॉर्म में, माना कि तीन रेजिस्टेंस मेरे इस तरह से कनेक्टेड हैं, तो ये देखो, ये हम आ रहा किस तरह से, टी कनेक्टेड की तरफ से। अगर मैं इसको इस तरह से और मोड़ देता हूं, तो ये मेरा किस तरह से हो जाएगा, बाई फॉर्म में। अगर मैंने इनको कनेक्शन इस तरह से कर दिया, तो ये मेरा देखो टी कनेक्शन भी वही बात है, मेरा वाई कनेक्शन भी वही बात है, और मेरा स्टार कनेक्शन भी वही बात है। तो ये वाला हो गया मेरा स्टार कनेक्शंस। अब देखो, अगर इन तीनों फॉर्म में से, इन दोनों फॉर्म में से, इसमें से और इसमें से किसी भी फॉर्म के अंदर वो आता है, तो उसको हम जो स्टार कनेक्शन है इसको हम डेल्टा में करते हैं। तो डेल्टा किस तरह का होता है, तो डेल्टा हमारा होता है या तो वो पाई फॉर्म में हो, ये हो गया हमारा आर वन, आर टू और आर थ्री। ये तीन रेजिस्टेंस अगर मेरे इस फॉर्म में कनेक्टेड हो, अब ये तो दिख रहा है सीधा सीधा, ना तो ये सीरीज में ना पैरेलल में, इधर भी हम देख पाते हैं कि ना ये सीरीज में ना पैरेलल में इसको, और इसको हम इस तरह से और लिख सकते हैं। देखो, अब ये हमारे सामने ये स्टार के कनेक्शन थे, ये मेरे डेल्टा के हैं, इसको हम पाई भी बोलते हैं। देखो, ये पाई की तरह है, तो इसको हम पाई भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डेल्टा। ये हमारी डेल्टा की फॉर्म है। तो हमें कई बार कॉम्प्लिकेशन किस तरह की होती है कि नेटवर्क इतना कॉम्प्लिकेट हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि सीरीज में पैरेलल में, तो उनको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो आज देखो, आज इस लेक्चर में हम यही पढ़ते हैं, देखते हैं कि हमने देखो स्टार टू डेल्टा किस तरह से कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने स्टार और डेल्टा को एक साथ कर दिया, जिससे लोगों को कन्फ्यूजन नहीं हो कि इसका कैसे है। तो हमने जो हमारे स्टार के अंदर हैं R1, R2 और R3, ये हमारा स्टार कनेक्शन के अंदर हैं, और RA, RB और RC, ये तीनों की तीनों जो रेजिस्टेंस हैं, ये किस में, डेल्टा कनेक्शन में। अगर हमको R1, R2 और R3 की वैल्यू दे रखी हो, तो हमको RA, RB और RC की वैल्यू कैसे निकालेंगे, या हमें किसी सर्किट के अंदर RA, RB और RC की वैल्यू दे दी, तो R1, R2, R3 की किस तरह से निकालते हैं। तो हम देखो, अगर हमें R1 की वैल्यू निकालनी है, R1 की वैल्यू निकालने के लिए हमें किस तरह से कनेक्शन लेते हैं, कि R1 की वैल्यू निकालने के लिए हम इन दोनों रेजिस्टेंस का क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई, इन दोनों रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई अपॉन तीनों रेजिस्टेंस का सम। जैसे RA, RB अपॉन RA प्लस RB प्लस RC, तो ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई, R1 की। अगर हमको R2 की वैल्यू निकालनी है, तो R2 की वैल्यू के लिए इसके साथ में कौन कौन से एडजॉइंट में, हमारे RB और RC, RB RC, तो ये हो जाएगा RB RC अपॉन RA प्लस RB प्लस RC। इसके बाद अगर हमें वैल्यू चाहिए किसकी, R3 की, तो R3 की वैल्यू में हमारा हो जाएगा, इसके कौन कौन से साइड में, RA और RC, RA RC अपॉन तीनों रेजिस्टरों का सम, RA RB और RC तीनों रेजिस्टेंस का सम। तो ये तो हमारा हो गया किसमें, डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। हमारा ये था डेल्टा, और उससे हमने फाइंड आउट करी है वैल्यूज किस चीज़ की, स्टार की। सिमिलरली हम स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, अगर हमें वैल्यू दे दी हमको R1, R2 और R3 की, तो हम RA की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे। तो RA की वैल्यू होती है हमारी किस तरह से, R1, R2 प्लस R2, R3 प्लस R3, R1 अपॉन इस RA के अपोजिट में कौन सा रेजिस्टेंस है, R2। सिमिलरली ये तो सब में हमारा कॉमन रहने वाला है सब, तो इसमें हो जाएगा हमारा R1, R2
प्लस आर टू आर थ्री प्लस आर थ्री आर वन। तो आर भी कौन सा रेजिस्टेंस है, ये रहा, इसके अपोजिट रेजिस्टेंस कौन सा आ रहा मेरा, आर थ्री, तो इसके अपोन में आ जाएगा मेरा आर थ्री। सिमिलरली अगर आर सी की वैल्यू चाहिए तो आर सी की वैल्यू में ये तो हमारा सबका सेम हो जाएगा न्यूमरेटर, आर वन आर टू प्लस आर टू आर थ्री प्लस आर थ्री आर वन अपोन आर सी के अपोजिट में क्या है, आर वन। तो ये तो हमारे डायरेक्ट फॉर्मूले हैं कि इनडायरेक्ट फॉर्मूले से हम इन सब को कर सकते हैं। इसके बाद कई बार हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तीनों की वैल्यू हमें सेम दे देते हैं कि R1, R2, R3 जैसे दे दिया हमें तीन रेजिस्टेंस, तीन ओम का दे दिया रेजिस्टेंस, या फिर हमें आर बी आर सी आर आर ए आर बी और आर सी तीनों का हमें दे दिया थ्री ओम रेजिस्टेंस, तो हम डायरेक्टली पता कर सकते हैं क्योंकि इसमें थ्री टाइम्स या तो अप होगा या डाउन होगा। तो देखो एक बार मैं आर वन आर टू आर थ्री की वैल्यू अगर ले लेता हूँ थ्री, तो मेरी आर ए की वैल्यू क्या आएगी, देखो आर ए इज इक्वल टू अगर थ्री है तो थ्री इंटू थ्री प्लस थ्री इंटू थ्री प्लस ये भी थ्री इंटू थ्री अपॉन हमारा रेजिस्टेंस अपोजिट में कौन सा है, आर ए के अपोजिट में आर टू, ये हो गया थ्री। तो देखो ये कितना हो गया, नाइन प्लस नाइन प्लस नाइन अपॉन थ्री, तो ये हो गया 27/3, तो ये हो गया 9। देखो हमारी R1, R2 और R3 की रेजिस्टेंस की वैल्यू थी 3-3 और हमको अब RA की वैल्यू क्या आई, 9। अगर ये तीनों वैल्यू सेम है तो RA, RB और RC तीनों की वैल्यू सेम आने वाली है और तीनों की वैल्यूज हमारी क्यों क्या होंगी, 9। तो देखो हमारा थ्री टाइम्स ये अप हो रही है। अगर हम स्टार से डेल्टा में जाते हैं तो हमारी वैल्यू तीन गुनी बढ़ जाती है अगर सेम वैल्यूज है। सिमिलरली अगर हम इसमें आते हैं डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो देखो अगर मेरे आर ए आर बी और आर सी तीनों की वैल्यू अगर 3-3 है तो क्या आएगा, 3 × 3 अपॉन 3+3+3, तो हमारी इसमें वैल्यू आती है 9/9 1, इसमें वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 1 आ गई। तो देखो इसमें हमारा वैल्यू थी 3-3 पर आई वैल्यू कितनी, 1, तो तीनों की वैल्यू हमारी क्या सेम आने वाली है, 3 × 3 अपॉन 9, 3 × 3 अपॉन तीनों का सम होने के बाद भी 9 आ रहा है, तो ये तीनों वैल्यू हमारी आती हैं 1। सिमिलरली इस केस में हमारी तीनों वैल्यू क्या आनी है, 9, आर ए आर बी और आर सी, अगर हमें तीनों की वैल्यू सेम दे रखी है तो हमारी वैल्यू, और देखो इसमें थ्री टाइम्स अप आ रही है, इसमें थ्री टाइम्स डाउन आ रही है। कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि सर ये तो हमें याद ही नहीं रहते, फॉर्मूले याद नहीं रहते, तो उसकी देखो इजी ट्रिक बताता हूँ किस तरह से याद कर सकते हो आप। ये देखो हमारा स्टार कितने वर्ड्स हैं, 1, 2, 3, 4, 4 वर्ड्स हैं और डेल्टा में कितने हैं, 5 वर्ड्स। तो देखो अगर हम स्टार से डेल्टा में जा रहे हैं तो हमारी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है इधर 4 to 5। तो सिमिलरली अगर हम स्टार से डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो हमारी वैल्यू 3 टाइम्स अप हो जाएगी अगर सिमिलर रेजिस्टेंस हैं, और हमें अगर सिमिलर नहीं है तब भी हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या मिलेगी, बढ़ के मिलेगी। जैसे कि देखो हमने R1, R2, R3 की वैल्यू ली थी 3 ओम पर हमको RA, RB और RC की वैल्यू हो रही थी 9, मतलब 3 टाइम्स हो रही थी। और सिमिलरली अगर हम करते हैं डेल्टा टू स्टार, तो डेल्टा में कितने वर्ड्स हैं, 5, और स्टार में कितने वर्ड्स हैं, 4, तो क्या हो रहे हैं, मेरी डिक्रीज हो रहे हैं, तो इसमें वैल्यू क्या होगी मेरी, अगर सिमिलर रेजिस्टेंस है तो 3 टाइम्स डाउन हो जाएगी, और अगर सिमिलर रेजिस्टेंस नहीं है तो वैल्यू जो हमारी पहले से है R1, R2, R3 की वैल्यू RA, RB, RC की वैल्यू से हमारी कुछ कम मिलेगी ही। तो ये इस तरह से हम इजी ट्रिक्स है कि हम इसे याद कर सकते हैं कि स्टार से डेल्टा की ट्रांसफॉर्मर में कई बार कन्फ्यूजन होता है कि ये फॉर्मूला इसमें लगा देते हैं, कुछ स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले को इसमें लगा देते हैं, तो यहाँ से आप पकड़ सकते हो कि कौन सा फॉर्मूला किस में लगाने वाले हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।